मेघा, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। थैंक यू सो मच। यू नो, अगर मेघा आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो लॉकडाउन आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि काफी सारी हमने यू नो शॉकिंग, काफी अच्छी, काफी प्लेजेंट भी न्यूज सुनी हमने थ्रू आउट द लॉकडाउन। बीइंग एन एक्टर, यू नो, जब काम एकदम से 7-8 महीने के लिए रुक जाए और यू नो यू हैव नो अदर ऑप्शन एंड यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक मुंबई जहाँ पे एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं डे टू डे लाइफ के, how challenging it was to survive in a city like Mumbai during the lockdown? हाँ, जो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं कोलकाता चली गई थी। तो घर पे तो ठीक है, एक है खुशी की घर पे हूँ, सबके साथ हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं सब छोड़ छाड़ के चली गई हूँ। तो ऑब्वियसली वापस आना है, काम करना है, कब शुरू होगा पता नहीं है। फिर एक पॉइंट पे आया जब ऑडिशन स्टार्ट हो गए, ऑडिशन मैं तो मेरा शो बंद हो गए, 1 साल हो गए, तो मैं लॉकडाउन के पहले से ट्राई कर रही थी। तो ऑडिशन हो रहे थे, बात हो रही थी, मॉक शूट तक पहुंच रहे थे, फिर नहीं हो रहा था, एंड फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद ऑडिशन दिया, फिर भी नहीं हो रहा था, एंड जिसके ऑडिशन दिए वो शोज आ गए थे लॉकडाउन के पहले। तो कभी ना कभी लग रहा था कि अगर वो कर लेती तो लॉकडाउन में क्या पता वो शो बंद हो जाता। तो लगता था कि चलो अच्छा हुआ मैंने वो शो नहीं पकड़ा, नहीं मिला मुझे। सो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि यार इतने टाइम हो गए, काम नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और काफ़ी सारे आपके पर्सनल खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मतलब हेडेक था डेफिनेटली सबके लिए। तो बहुत टेंशन में आ गई थी कि अगर कुछ नहीं हुआ तो आई डोंट नो कि मैं चली जाऊंगी वापस, एंड और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हूँ, मतलब जैसे नेगेटिव सोचने लगती हूँ, बहुत बुरी चीज़ें मेरे लिए। बट हाँ, मैं काफ़ी हिल चुकी थी क्योंकि मेरे 2 शो के बीच में 1 साल का गैप फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इतना लंबा गैप हुआ है। लेकिन राइट नाउ आई एम हैप्पी कि अच्छा हुआ है, गैप हुआ, मुझे अच्छा शो मिला है और एक अच्छा कैरेक्टर मिला है। बट हाँ, लॉकडाउन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब रहा, और उसके साथ जो चारों तरफ हो रहे थे, एंड आई वाज इन कोलकाता जब आम्फान आया था, अरे माय गॉड, तो बहुत ही डरावना था। सो बट व्हाट केप्ट यू गोइंग एट दैट टाइम? माय मॉम इज वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन, लाइक हमेशा नहीं ठीक है अभी नहीं हो रहा तो क्या होगा, तेरा होगा, तेरा कभी कुछ खराब नहीं हो सकता, तो देखना अभी टाइम लग रहा है तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। वो शो नहीं मिला क्योंकि वो शो अच्छा नहीं होगा, वो शो बंद हो जाने वाला है, ये ऐसे कुछ ना कुछ तो बोलती रहती, माँ ही है आफ्टर ऑल, तो उनका तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत पॉजिटिव, इवन मैं घर पे बैठ के क्या करूँ तो मैं कुछ भी फोटोज खींच लेती थी कि अपने कुछ क्रिएटिविटी करती, तो हर चीज़ में सपोर्ट करना, हेल्प करना, यू नो। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है एंड बहुत पॉजिटिव रखती है। सो या, एंड डू यू थिंक कहीं ना कहीं आपने बहुत राइट डिसीजन लिया कि लॉकडाउन में आप घर पर थी, अपने फैमिली के साथ थी, शायद यहाँ पर रहती तो बहुत मुश्किल हो जाती। बहुत ज्यादा डेफिनेटली मैं घर पर थी, मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि अच्छा कि तू घर चली गई, मतलब मैं घर गई या लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मतलब इट वॉज नॉट अ प्लान कि मैं जाऊंगी और लॉकडाउन होगा, मुझे लगा मैं 10 दिन होके आ जाऊंगी, थोड़ा घूम के आती हूँ, बट मैं वहाँ रुक गई, मतलब अटक गई बेसिकली। बट अच्छा हुआ काफ़ी लंबा टाइम मिल गया घर वालों के साथ, जो कि आपके नॉर्मल शूटिंग लाइफ डेज में नहीं मिलता है मौका घर जाने का या रहने का, तो इट वाज अ गुड डिसीजन। सो मेघा, इससे पहले का जो आपका रोल था, इससे पहले जो आपने डेबी सोप किया था, उसमें बहुत ज़्यादा रोना धोना, यू नो, बहुत ज़्यादा वो सास बहू था, लेकिन वो शो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट पे बना हुआ था, काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे थे उस पर, उसको देख रहे थे, बट वो शो उतना ज्यादा चल नहीं पाया, यू नो, उसको ऑफर कर दिया गया। तो एज एन एक्टर कितना ज्यादा यू नो सैडनिंग पार्ट होता है वो, कि आप अपना पूरा एनर्जी, आप अपने पूरे इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, लोगों को पसंद भी आ रहा है, फिर भी वो शो ऑफर कर दिया जाता है, तो डज इट गेट डिसअपॉइंटिंग एट सम टाइम? बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब एकदम ही शो खराब होता है, बंद कर देते, तब लगता है कि हाँ यार रिजल्ट नहीं आ रहा था, बंद कर दिया। पर जब लगता है कि प्राइम स्लॉट में शो है, अच्छा चल रहा है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो सारे शो में आते हैं यार, तो स्टोरी प्लॉट अच्छी है, यू नो, तो डेफिनेटली मैंने बहुत पिछले शो में, तो हर शो में हम लोग सारे एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग पूरी जी जान लगाते हैं उस कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाने के लिए, तो वैसे ही मैंने पिछले शो में भी किया था। बट डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है जब सडन न्यूज़ आता है, क्योंकि न्यूज़ आने के मतलब हार्डली 1-2 हफ्ते में रैपअप करते हैं ये लोग,
ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब एक अच्छे शो को आप लोग थोड़े से डाउनफॉल उनका देख नहीं पा रहे हो और तुरंत डिसीजन ले लिया कि चलो बंद कर देते हैं, हमारे पास तो और भी दूसरे शोज है। तो डेफिनेटली यार इतनी मेहनत के बाद अगर आप एक कैरेक्टर को लोगों तक पहुंचा रहे हो, लोग प्यार करना शुरू कर दिया है, पहचान रहे चारों तरफ लोग कृष्णा कृष्णा करके, तो उस टाइम शो बंद कर रहे हो आप, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है डेफिनेटली। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल के शोज की शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है एंड वो इसी वजह से बिकॉज लोग लोगों के का पेशेंस जो है वो खत्म हो गया और लोग चांस नहीं देना चाहते, यू नो 3-4 months पे दे टेक डिसीजन टू यू नो पुल अ शो ऑफ एयर, यू थिंक कि थोड़ा डिजर्व टाइम एक शो को मिलना चाहिए, कम से कम 7-8 महीने टू एटलीस्ट एक शो को अपना क्या कहते हैं अपनी फैन फॉलोइंग अपना बेस जमाने के लिए? हाँ मतलब आजकल जैसे कभी कभी सुनने को आता है कि किसी कोई भी शो 4 महीने में बंद हो गया, तो मुझे नहीं पता ये लोग पीछे कैसे रिसर्च करते हैं डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि अगर जब टीआरपी अच्छी आने में टाइम लगता है तो थोड़ा सा नीचे आते ही इतना जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होती या बिलीव नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहिए, ऐसा मैं भी मानती हूँ। क्योंकि बहुत सारे हमने काफ़ी सारे फिल्मों के बारे में सुना है यार, आई थिंक शोज भी ऐसे आए हैं जो शुरू में ना बहुत ऐसे 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 जा रहा था, फिर सडनली वो यहाँ गया, तो वो टाइम अगर थोड़ा सा क्या पता वो यहाँ जाए, तो एक थोड़ा सा वो जो 4 महीने का है वो थोड़ा सा आई थिंक बढ़ाना चाहिए। या थैंक यू सो मच मेगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।